हेलो यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हैं? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज प्रिंसेस कट ब्लाउज की कटिंग सीखेंगे। इसके लिए मैंने कपड़े को टू फोल्ड में रखा है। ये देखिए, इस फोल्ड इस तरीके से मैंने टू फोल्ड में रखा हुआ है। पहले हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। फुल लेंथ 14.5 है, तो 1 इंच एक्स्ट्रा लेना है हमें, तो 15.5 लेंगे। अब मैं मार्क कर लेती हूँ 15.5 पे। ये देख सक रहे हो आप, 15.5 पे मैंने मार्क कर लिया है। अब इस मार्क को सीधा कर लेंगे। इस तरीके से ट्रायंगल शेप स्केल लिया है मैंने। इस तरीके से आप ले सकते हैं, इससे बिल्कुल स्ट्रेट लाइन जाती है। ये देखिए, अब मैं बैक साइड से बटन लगाऊंगी, तो 1/2 इंच एक्स्ट्रा क्लॉथ लूंगी मैं। अब स्केल की मदद से इसको स्ट्रेट कर लेंगे, मिला देंगे मैं 1/2 इंच। ये देखिए, अब शोल्डर लेंगे 1/2 इंच छोड़ के यहाँ से। शोल्डर मैं लूंगी 5। डीप नेक में शोल्डर कम ही लेते हैं, ये 5 लिया। शोल्डर अब आर्म होल की लेंथ हम कैसे मेज़र करेंगे ये मैं बताती हूँ। आर्म होल की लेंथ, जैसे चेस्ट राउंड है हमारा 38, तो आर्म होल की लेंथ लेंगे 38 को डिवाइड करेंगे, जितना होगा उसमें 1/2 इंच 2 इंच प्लस करके, सॉरी 1/2 इंच नहीं 2 इंच प्लस करके आर्म होल लेंगे। तो 38 को 8 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, ये मैं डिवाइड करके आपको बताती हूँ। तो डिवाइड किया मैंने, डिवाइड और 2 प्लस ऐड करके इसमें आ रहा है 7। सॉरी सेव 6.5, 4.2 आ रहा है। 4.2 में 2 ऐड करेंगे तो 6.2 होगा, 6.2 होगा यहाँ पे।
और इसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे जो कि स्टिचिंग में जाएगी। यहाँ हाफ इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगाया, अभी इसको मिला देंगे। ये मिल चुकी है, अब 38 चेस्ट राउंड 38 को 4 से डिवाइड करेंगे तो कितना होगा? नाइन फोर या 36, उसमें हाफ इंच एक्स्ट्रा करेंगे तो 9.5 इंच, यानी कि 10 इंच पे हमें टेन इंच पे मार्क कर दिया मैंने। अब बॉटम लेंथ है 33 का को 4 से डिवाइड करेंगे तो 8.2 होगा। तो ये देख लीजिए 8.2 पे मैंने हाफ इंच छोड़ के यहाँ से मेजर करेंगे। अब इसे हमें ज्वाइंट कर देना है इस तरीके से। अब इसमें मार इसका क्या है, 1 इंच एक्स्ट्रा लेंगे डार्ट के लिए। ये देखिए 1 इंच एक्स्ट्रा डार्ट के लिए लिया और इसमें मैच कर देंगे। नेक्स्ट मार्जिन भी लेना है हमें, मार्जिन हाफ इंच लेती हूँ मैं। अगर आपके पास क्लॉथ ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी ले सकते, मेरे पास ज़्यादा क्लॉथ नहीं है तो मैं हाफ इंच ही मार्जिन लूँगी। डीप नेक में क्या है, 2 इंच नेक डेप्थ 2 इंच लेंगे डीप नेक में। नेक की लेंथ आप अपने अकॉर्डिंग रखें। मैं 11 रखूंगी और इसमें क्या है, ये इसको आप थोड़ा सा डीप करने के लिए थ्री इंच एक्स्ट्रा ले लिया है, वहां 2 लिया था यहाँ 3 लिया है। अभी इसको मिला देंगे। इसको राउंड शेप दे देंगे यहाँ से। अब डार्ट के लिए यहाँ से 4 इंच मेजर कर लिया। और यहाँ भी 4 इंच टक्स के लिए हाफ
हाफ हाफ इंच, हाफ इंच इधर से, हाफ इंच इधर से, तो इसको इस तरीके से मिला देंगे। ये हो गई है हाफ इंच। शोल्डर स्लोप नहीं देना है इसमें, नेक के साइड से हाफ इंच स्लोप डालेंगे जिससे कि हमारी कंधे नहीं लटकेंगे। अब इस ये हो चुकी है। अब शोल्डर यहाँ से ढाई इंच पे एक निशान लगा के इसको इसमें इससे मिला देंगे। और अब शोल्डर को इस तरीके से यहाँ से देख लीजिए आप, डेढ़ इंच पे शोल्डर स्लोप करेंगे। इस तरीके से शोल्डर को राउंड करेंगे। ये सब करने की कोई जरूरत नहीं है। अब इसकी कटिंग कर देते हैं। इस तरीके से मैं कटिंग कर रही हूँ। कटिंग बिल्कुल आराम से करें। ये कटिंग हो गई है। अब नेक की भी कटिंग कर दूंगी मैं। तो ये नेक की भी कटिंग हो गई है। अब ये शोल्डर स्लोप को कट करेंगे।
तो ये कटिंग होके रेडी है। अब बैक पार्ट की, फ्रंट पार्ट की कटिंग करेंगे। तो अभी मैं अभी फ्रंट पार्ट की कटिंग के लिए क्लॉथ को इस तरीके से रखेंगे। बस बैक पार्ट को रखेंगे इस तरीके से। हाफ इंच बाहर की ओर रखें क्योंकि इसमें हमने हाफ इंच ज़्यादा लिया था। ये हाफ इंच ज़्यादा लिया था आई हुक लगाने के लिए, इसमें हाफ इंच कम करके लेंगे। ये देखो हाफ इंच बाहर करके मैंने रखा है और इस ब्लाउज में निशान लगा देंगे। एक इंच ऑलरेडी टक्स के लिए ज़्यादा लिया गया है। तो प्रिंसेस कट ब्लाउज के लिए एक इंच एक्स्ट्रा लगा लेंगे, एक इंच एक्स्ट्रा पे निशान लगाएंगे, यहाँ भी एक इंच एक्स्ट्रा पे। ये स्टिचिंग में जाएगी हमारी एक इंच एक्स्ट्रा। और ये लेंथ बॉटम लेंथ जाएगी। प्रिंसेस कट ब्लाउज में बॉटम लेंथ सेम ही रहेगा, बॉटम में लेंथ नहीं बढ़ाना है। इस तरीके से मार्क कर लेंगे। फ्रंट में लेंथ कम रखूंगी नेक का। तो अभी ये हो चुकी है बैक पार्ट की, अब इसे हटा देती हूँ। अब हाफ इंच मार्जिन का निशान लगा लेंगे यहाँ पे, यहाँ भी हाफ इंच मार्जिन का। और इस लाइन को मिला देंगे ऐसे, मिल गई है। हाफ इंच अंदर से लेना है यहाँ पे इस तरीके से। अब यहाँ से 3.5 पे मार्क करेंगे और यहाँ से एपेक्स पॉइंट देख लेंगे। एपेक्स पॉइंट कहाँ जा रहा है, एपेक्स पॉइंट 10.5। थ्री एंड हाफ पे डॉट डालेंगे। अब ये एपेक्स पॉइंट को के यहाँ पे मिला देंगे इस तरीके से। अब इस पॉइंट से यहाँ पे 2 इंच पे एक निशान लगा लेंगे इस तरीके से। और यहाँ भी 2 इंच पे इसको स्ट्रेट कर लेंगे इस तरीके से।
और फिर इस तरीके से हमें निशान लगाना है। इस तरीके से और यहां से हाफ इंच, हाफ इंच की गोलाई दे देंगे इस तरीके से। अब इसकी कटिंग कर लेती हूँ। ये फ्रंट पार्ट है तो हाफ इंच अंदर से शोल्डर राउंड कट करेंगे। सॉरी आर्म होल। ये कटिंग हो गई है हमारी, देख सक रहे हैं आप। अब इसे लाइनिंग के ऊपर रख के कटिंग कर लेंगे। इसे भी कट करके निकाल देना है। कटिंग हो गई है, देख सक रहे हैं आप इस तरीके से। कुछ इस तरीके से ज्वाइंट करेंगे हम इसको।
तो अब फैब्रिक के ऊपर इसको रख के कटिंग कर लेते हैं। अब मेन फैब्रिक के ऊपर लाइनिंग रख के मैं कट कर लूंगी। इस प्रकार से मैंने रख लिया है। फैब्रिक थोड़ा ज्यादा ही कट करें जिससे कि ये कम ना हो। इस तरीके से सभी को काट लूंगी मैं। तो ये हो गई है, इसको साइड करके रखूंगी मैं। हम बैक पार्ट की कटिंग कर लेते हैं। इस तरीके से रख के कटिंग कर लूंगी। इसको भी रख देंगे यहाँ इस तरीके से रख के कटिंग करूंगी मैं। देख सक रहे हैं ये मैंने रख लिया, मैं इसको कटिंग करूंगी। फैब्रिक थोड़ा एक्स्ट्रा ही कट करेंगे ताकि बाद में वो कम ना हो। इसकी स्टिचिंग वीडियो जल्द ही मेरे यूट्यूब चैनल पे आएगी। तो ये कटिंग हो गई है बैक पार्ट की भी।
तो ये भी कटिंग हो गई है मेरी। प्रिंसेस कट ब्लाउज की जल्दी ये स्टिचिंग वीडियो भी मैं लेके आऊँगी। आप मेरे चैनल पे बने रहें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें वीडियो पसंद आए तो। अभी स्लीव्स की कटिंग करेंगे। स्लीव्स की कटिंग करने के लिए फर्स्ट हमें फैब्रिक को इस तरीके से रखना है और इसको स्ट्रेट कट कर लेना है अच्छे से। ताकि स्लीव्स बराबर आए इस तरीके से। ये बराबर में कर लिया है कपड़े को। इस तरीके से बराबर में कर लेंगे। अब इसको फोर फोल्ड करेंगे उल्टे साइड से। ये हमारी सीधी साइड है, मैं फोर फोल्ड कर रही हूँ इसको। ये देखिए टू फोल्ड हो चुके हैं। अभी ये फोर एक फोल्ड और कर दूंगी। इस तरीके से फोर फोल्ड हो गए हैं। अभी मैं स्लीव्स की कटिंग कर लूंगी। यहाँ से 2.5 इंच पे एक निशान लगाएंगे और इस निशान को इस कॉर्नर से इस तरीके से मिलाएंगे। आपको स्लीव्स की लेंथ जितनी रखनी उतनी रख सकते हैं। मेरे पास जितनी क्लॉथ बची थी मैंने उतना फुल उतना लेंथ रख दिया है। 7.5 आ रहे हैं लेंथ। आप अपने अकॉर्डिंग लेंथ रखें। अब यहाँ से यहाँ तक इसका मीट पॉइंट कितना होगा? इसका मीट पर ये 12 आ रहा है टोटल लेंथ, तो इसका मीट पॉइंट होगा 6। अब हमें क्या करना है, 1/2 इंच इस तरफ लेना है एक्स्ट्रा, फिर 1/2 इंच इस तरफ बढ़ा के और आर्म होल की शेप दे देंगे इस तरीके से। इस तरीके से मैंने फुल लेंथ ले लिया। मैंने लेंथ को मेजर नहीं किया क्योंकि मुझे पफ बनाने हैं स्लीव्स में, तो जितने क्लॉथ थे मैंने पूरा लेंथ ले लिया है ताकि स्लीव्स में कम लेंथ ना पड़े स्लीव्स का। अब इसका ये देख ले, 6 इंच है इसका। स्लीव्स का बॉटम राउंड 6 है। अब इसको इस तरीके से मिला लेंगे। सिक्स है तो वन इंच प्लस करके रखती हूँ मैं मार्जिन के लिए। यहाँ पे 7, इसको 7। ये देखो ये हो गई। अब इसकी कटिंग कर देंगे स्लीव्स की।
लिप्स की कटिंग बिल्कुल आराम आराम से करनी है। ये रह गई है, इसको भी कटिंग कर देते हैं। अब इसको ओपन करेंगे इस तरीके से। इसको पहले मिला के देख लेते लेंथ सही है कि नहीं। हाँ, इसके मिड पॉइंट पे कट लगा देंगे। ये स्लीव्स की कटिंग हो गई है। स्लीव्स की कटिंग कुछ इस तरीके से हुई है। ये देख सक रहे हैं आप, ये दोनों स्लीव्स की कटिंग हो गई है। अब हुक हाई की पट्टी करेंगे, कट कर लेते हैं। हुक की कटिंग होगी 3 इंच में। ये 3 इंच की मैं पट्टी कट कर, 3 इंच की स्ट्रिप अब कट कर दूंगी। इसके ये हमारी आई के लिए रहेगी। 3 इंच की स्ट्रिप मैंने कट किया है। हुक के लिए 2 इंच की करेंगे। हुक के लिए 2 इंच पे मैं मार्क करूंगी। इसको एक बराबर कर लेते हैं। ये हो गई। अब ब्लाउज की बेल्ट कटिंग कर लेंगे। स्ट्रिप के लिए, ब्लाउज की स्ट्रिप के लिए कटिंग कर लेंगे। ये स्ट्रिप कोई भी साइज की हो सकती है।
थ्री स्ट्रिप कट होगी, थ्री स्ट्रिप कट करेंगे। एक हो चुकी है, ये दूसरी। ये तीसरी स्ट्रिप मैं कट करूंगी। ये हो चुकी है, थ्री स्ट्रिप कटिंग हो गई है। इस आई हुक के स्ट्रिप के लिए लाइनिंग भी कट करूंगी मैं, इससे अच्छी फिनिशिंग आएगी। यहाँ पे रख के लाइनिंग कट कर लूंगी मैं इस स्ट्रिप के लिए, बिल्कुल बराबर से रख के। ये हो गई, अब नेक्स्ट ये स्ट्रिप है, इसको भी जो 2 इंच की कटिंग करी थी मैं, 2 इंच के स्ट्रिप वो है। तो फाइनली ब्लाउज की कटिंग हो चुकी है, अब मैं जल्दी स्टिचिंग की वीडियो लेके आऊँगी। अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ लाइक करें। थैंक यू, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।